नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। पूर्व विधायक ललित परसवान ने कहा कि जनपद बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में स्थित भगवती महाकाली का दरबार महान आस्थाओं का केंद्र है। आध्यात्मिक संवाद के दौरान हमारे विशेष संवाददाता रमाकांत पंत से उनकी हुई खास बातचीत के अंश। माता कालिका की महिमा इस देवभूमि के पग पग पर व्याप्त है, चाहे वो गंगोली हाट की माता महाकालिका का मंदिर हो, या कालीशिला पर्वत की कालिका हो, या कालीमठ की कालिका हो, या कालीचौड़ की कालिका हो, हल्द्वानी के निकट ये सभी दरबार सनातन काल से परम आस्था और भक्ति का संगम है। इन्हीं दरबारों में एक दरबार है कांडा की महाकाली माता का दरबार, और इस दरबार के प्रति गहरी आस्था रखने वाले पूर्व विधायक श्री ललित परसवान जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, जिनकी माता कांडा की माता महाकालिका के प्रति गहरी आस्था है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं उस दरबार का क्या महत्व है। आप उस क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, उस दरबार के प्रति आपकी गहरी आस्था है, उस दरबार के प्रति आपकी गहरी श्रद्धा है। परसवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप से जानना चाहेंगे कि कांडा में जो माता कालिका का मंदिर है, उस मंदिर के महत्व के बारे में अपनी सुधावी वाणी की धार से दो शब्द। कांडा की महाकाली पूरे क्षेत्र की आस्था से जुड़ी हुई माँ का दरबार है, और आपके द्वारा कितने भी माँ के स्तुति आप यहाँ पर बताई गई जी, जी। और उनमें भी जी माँ काली कांडा का एक उच्च स्थान है जी, जी। क्योंकि लोगों की आस्था पुरातन काल में जी बहुत सारे बलियों से वहाँ पर जुड़ी थी। अच्छा। और विगत कई सालों से बलि प्रथा का वहाँ पर अंत कर दिया गया, और एक प्रत्येक रूप में शांति रूप में लोग चाहे आटे का है या दूसरे गोले का है उसके रूप में उसका वहाँ पर अंत करते हैं, और फिर भी लोगों की इतनी आस्था है कि आज भी हजारों हजारों की संख्या में दसवीं विजयदशमी के दिन और अन्य जो तीज त्यौहार वहाँ पर होते हैं, लोग जिसमें नए गेहूँ चावल या अन्य चीज़ें होती हैं उसको चढ़ाने के लिए उस समय भी बहुत लोग पूरी पट्टी के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और आस्था के तौर पर आज भी माँ काली का स्थान वही स्थान है जो पूरे क्षेत्र की जनता वहाँ पर देखती है। कुल मिलाकर के काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमस्ते दे, सबको आनंद प्रदान करने वाली, सबको वैभव प्रदान करने वाली कांडा की श्री महाकाली के बारे में आपने अपने आराधना के साथ अर्पित किए। परसवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना अमूल्य समय राष्ट्रीय न्यूज चैनल लाइव टीवी को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।